सो हाय फेलर्स, चेंग वर्ल्ड। सो गाइस, आप लोग सीजन 14 के काफी रॉयल पास की लीक्स देख चुके हो एंड आई थिंक अभी तक आपको सब कुछ पता भी लग चुका होगा कि रॉयल पास में क्या क्या आने वाला है। सो आज के वीडियो में हम लोग लीक्स नहीं, ऑफिशियल सीजन 14 का रॉयल पास देखेंगे जो कि पूरा का पूरा लीक हो चुका है। अगर आपको याद होगा, आप मुझे सीजन 13 से फॉलो कर रहे हो, तो सीजन 13 में भी सेम चीज हुई थी जहाँ पे पूरा का पूरा रॉयल पास लीक हो गया था। सेम यहाँ पे भी हुआ है जहाँ पे सीजन 14 का पूरा का पूरा रॉयल पास लीक हो चुका है। सो आज की वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे एंड आई होप आप लोग उसको काफी इंजॉय करोगे। सो लेट्स बिगिन। We go out drinking to moonlight, shot it look good in the moonlight. I'm supposed to make it so by my तो गाइस, इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो आई नो आप लोग काफी एक्साइटेड हो सीजन 14 का रॉयल पास देखने के लिए एंड उसकी ऑफिशियल लीक के लिए। तो हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट उस पे ही चलते हैं। एंड अ बिग शाउट आउट टू लकी मैन जिन्होंने हमें ये लीक प्रोवाइड किया है, उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके जरूर चेक करना। सो फाइनली आप लोगों के सामने है सीजन 14 का ऑफिशियल रॉयल पास। यहाँ पे कुछ डाउट्स होंगे जिन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड की है, उसका रीजन ये है कि इसको डाटा माइन किया गया है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े से ग्लिचेस रह जाते हैं जो कि हमें ऑफिशियल वर्जन में नहीं देखेंगे। सेकंड रीजन, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का इंटरफेस दिख रहा होगा, बट जो हमारा सीजन 14 का रॉयल पास है वो तो ऑरेंज एंड स्किन कलर में है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो इंटरफेस है वो चेंज नहीं है, लेकिन इसके अंदर के आप लोग अगर रिवॉर्ड्स को देखो तो सब पे सीजन 14 का मार्क बना हुआ है एंड ये पूरा का पूरा ऑफिशियल रॉयल पास है। यही पूरा सेम रॉयल पास आपको 14 जुलाई को भी देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड अब हम लोग देखते हैं रॉयल पास 1 पे हमें मिलने वाला है नाइट कमांडर सेट। आप लोग देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का सेट है एंड काफी अच्छा लग रहा है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एंड इससे पहले मैंने जो प्रिडिक्शन वीडियो की थी आपको मैं आई बटन पर उसका लिंक दूंगा, जाके चेकआउट करना। रॉयल पास आने से पहले ही मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि कौन कौन सी रैंक पे क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी एंड 90% ऑफ चीजें ऑफिशियल रॉयल पास में वहीं पे है, जो कि काफी कमाल की बात है। जो मैंने एनालाइज करके रिपोर्ट बनाई थी लगभग वो 90% सही है, तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। बुचर ऑफ चैल पर S1897 की शॉटगन की स्किन काफी अच्छी लग रही है देखने में, मुझे तो काफी सही लगी थी। उसके बाद कुछ काफी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हैं जैसे कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे, वो तो नॉर्मल ही है। उसके बाद लेवल 5 पे आप लोगों को मिलने वाली है इसकी नाइट कमांडर हेडगियर, जो कि इसी का हेडगियर होगा लेवल 1 पे जो मिला था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। आफ्टर इट थोड़ा आगे चलने के बाद हम लोगों को लेवल 10 पे एक फ्री चीज मिलने वाली है जो कि बबल इमोजी है। इसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, ये आप लोग चेयर पार्क में यूज कर सकते हो। बबल इमोजी इनका काम होता है सिर्फ चेयर पार्क के लिए एक्सक्लूसिव होती है एंड उसके साथ पेड जो लोग खरीदेंगे उनको मिलने वाला है यहाँ पे स्पीड डीमन ऑर्नामेंट। काफी अच्छा ऑर्नामेंट है, व्हाइट एंड गोल्डन कलर का, काफी मस्त लगा था ये मुझे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो लेवल 15 पे आपको मिलने वाला है काफी कमाल का न्यू इमोट, जो कि एक्सक्लूसिव रहेगा हमारे चेयर पार्क के लिए ही। मतलब आप लोग नॉर्मली इसको नहीं कर सकते, चेयर पार्क के अंदर ही आप लोग इसको यूज कर पाओगे, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। बट इसका थोड़ा लॉस भी है क्योंकि इतने ज्यादा लोग चेयर पार्क कहाँ खेलते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। आफ्टर इट हम लोग धीमे धीमे आगे चलते हैं, आप लोग छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देख सकते हो एंड मेन रिवॉर्ड्स लैंक 20 पे एक फ्री मिलने वाला है हम लोगों को, पबजी ऑफ लाइफ। आपको याद आ रहा है मैंने आप लोगों को कम से कम एक वीक पहले ही बता दिया था कि यही वाला इमोट हमें फ्री मिलने वाला है एंड यही वाला इमोट फ्री में। अगर नहीं यकीन होता जाके पुरानी वीडियो चेक करो, आपको आई बटन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फ्री में मिलने वाला है द पबजी लाइफ इमोट, एक अच्छा इमोट है, आप लोग देख लो इसको। सो गाइस, मुझे रेगुलर आप लोगों के काफी कमेंट्स आते हैं कि हम लोगों ने आज तक रॉयल पास नहीं लिया, हमें प्लीज फ्री में रॉयल पास दे दो। तो यार मैं सबको रॉयल पास तो नहीं दे सकता, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लाया हूं जो एक्चुअल में बहुत ट्रस्टेड है, यहां से आप लोग काफी इजीली रॉयल पास जीत सकते हो एंड रॉयल पास जीतना तो यहां से काफी छोटी बात है, यहां से इवन आप लोग जीत सकते हो आईफोन 11 एंड ये जीतना भी काफी इजी है। यहां पे आपको एक रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है एंड साथ ही साथ काफी ज्यादा अमाउंट में पैसे भी जीत सकते हो। आजकल लॉकडाउन के टाइम में भाई किसी के पास पैसे नहीं है एंड आप लोग यहां से काफी इजी जीत सकते हो एंड इस एप्लीकेशन का मैं आपको जब नाम बताऊंगा ना तो आप लोग खुद सरप्राइज हो जाओगे, बिकॉज इसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम। यस, ये एक पेटीएम का एप्लीकेशन ही, आपको पता ही है पेटीएम कितना बड़ा ब्रांड एंड कितने टाइम से मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, उन्होंने अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म निकाला है। सो मैं आपको बताता हूं आप लोग ये सब कर कैसे सकते हो, काफी इजी। आपको पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में काफी इजीली मिल जाएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो एंड अब यहां पे आता है लॉगिन प्रोसेस। अब आपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर, जहां पे मेक श्योर आप लोग इस जगह पे मेरा कोड डाले छोटे अल्फाबेट्स में STANGO एंड उसके बाद जिस नंबर से चाहते हैं आप लोग लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, पेटीएम से चाहते हैं या फिर OTP से। एंड पीछे आप लोगों ने मेरा कोड डाला था ना, तो उसका बेनिफिट तो आप लोगों को मिलना चाहिए। पहले ये एप्लीकेशन ₹50 देता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट ₹500 देता है जस्ट साइन अप करने के लिए। कितना बड़ा अमाउंट है, 500 बोनस कैश आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग कोई भी गेम खेल सकते हो जो भी इसमें खेलना चाहते हो एंड काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बाकी रही बात आईफोन 11 जीतने की, वो भी काफी इजी, आपको हर दिन 24 आवर्स में यहाँ पे एक फ्री
स्पिन मिलेगी एंड यहाँ से एक्चुअल में काफी लोग जीत भी रहे हैं इसको। जस्ट आप लोगों ने इस फ्री स्पिन पे क्लिक करना है, गोल 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 घूमेगा एंड अगर आपकी किस्मत होगी तो वो अच्छे अच्छे प्राइजेस पे रुक जाएगा लाइक 1000 रुपीज, iPhone 11। एंड मैं तो आप लोगों से बोलूंगा एक बार लाइफ में से जरूर ट्राई करो, क्योंकि क्या पता आप ही वो लकी इंसान हो जो iPhone 11 जीते। एंड अगर सब लोग यही सोचेंगे कि मैं तो जीत ही नहीं सकता, क्यों ट्राई करूं, तो कैसे होगा भाई। तो जाओ यार, मेक श्योर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, कोड यूज करो एंड ट्राई करो। तो मुझे काफी सही लगा ये वाला इमोट, आप लोग बता सकते हो कैसा है। एंड फ्री के हिसाब से तो काफी अच्छा है। एंड देन उसके बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पे रोज यूनिकॉर्न हेलमेट, पिंकिश एंड ब्लैक कलर का काफी अच्छा टच दिया गया है इसके अंदर। एंड यूनिकॉर्न वाला जो इसके अंदर दिया गया इफेक्ट हो तो काफी फनी भी लग रहा है एंड अच्छा भी लग रहा है दिखने में। आपको कैसा लगा आप लोग कॉमेंट्स करके बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कुछ रिवॉर्ड्स हैं जैसे कि होते हैं। उसके बाद 25 नंबर में मेन रिवॉर्ड में मिलने वाला है ड्रॉप द बेस पैन की स्किन, काफी अच्छा लग रहा है। ब्लू कलर का पैन है एंड डार्किश ब्लू कलर है, गोल्डन कलर भी दिया गया है। HDR में अगर देखोगे काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है HDR में, इसलिए मुझे पता है ये जो है नॉर्मली मेरे हिसाब से बैलेंस में यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, इसलिए अच्छा इतना नहीं लग रहा। एंड उसी के साथ आपको एक हार्ट वाला बबल इमोजी और देखने के लिए मिलेगा, एक ठीक ठाक टाइप का इमोजी आप लोग देख सकते हो इसको भी। आफ्टर इट थोड़ा आगे चलते हैं तो लेवल 30 भी दिखता है फैटल क्राई पैराशूट, आप लोग देख सकते हैं इस पैराशूट की स्किन को। ये फ्री है, सबको ये फ्री में मिल जाएगा काफी इजिली। एंड उसी के साथ आप लोग को एक पेड आउटफिट भी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि है आयरन रोज सेट, एक काफी अच्छा रोज सेट एंड काफी अच्छी आउटफिट। फिलहाल अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया हो तो आपने एक चीज को देखा होगा कि यहाँ पे हमें जितनी भी चीजें मिल रही हैं उसके शोल्डर्स पे हमें सिल्वर कलर यूज होता हुआ दिख रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि ये जो सीजन 14 है इसमें सिल्वर कलर का काफी ज्यादा यूज है। आप लोग नहीं यकीन होता तो जाके देखो, कमांडर सेट को देख सकते हो। आफ्टर 35 रैंक पे आयरन रोज हेड गियर, इसी का हेड गियर है इसके साथ ही मिलने वाला है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। कैसा लगा बता सकते हो कॉमेंट करके। ब्लेजिंग डॉन प्लेन फिनिश आप लोग देख सकते हैं, रेड एंड ब्लैकिश कलर का प्लेन का फिनिश है, ठीक ठाक टाइप का लग रहा है मुझे। बाकी जब ये ग्लोबल वर्जन में आएगा तब ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, अभी तो ठीक ठाक ही लगा मुझे, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आफ्टर रैंक 45 में मिलेगा रॉयल पास अवतार सीजन 14 का एक्सक्लूसिव। आफ्टर आपको रैंक 40 पे ड्रॉप द बेस नेट की स्किन मिलने वाली है, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये 48 पे नहीं है, 50 पे होगी। एंड 50 पे जो आपको ब्लू एंड रेड रेंजर दिख रहा है वो नहीं होने वाला है, ये गलती से कोई ग्लिच है इस वजह से हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे पेड में रैंक 50 पे हमें मिलने वाली है ड्रॉप द बेस नेट की स्किन, एंड फ्री वालों को मिलने वाली है ये M16 की स्किन जो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये स्किन लगने के बाद भी स्किन जैसी नहीं लग रही है, मतलब देखो भाई इसमें स्किन में है क्या, पूरी की पूरी काली स्किन है, ऊपर से बस थोड़ा सा इसके अंदर रेड रेड कलर का लुक दे दिया, आगे मुंह सा बना दिया, सिर्फ इतना ही है। ये फ्री होके भी किसी काम की नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप लोग अपना ओपिनियन इस पे दे सकते हैं। आफ्टर रैंक 60 पे आपको मिलने वाला है ब्लैक कमांडो सेट, कितना अच्छा है यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कमांडो सेट, उसी का लेवल 2 रहने वाला है, जैसे एजेंट पपेट सेट था ना उसी टाइप के ये कमांडो सेट चलने वाले हैं। ब्लैक कमांडो सेट लेवल 2 का है, आप लोग देख सकते हैं। मैक्सिमम जो इसमें चेंजेस है वो ये है कि सिल्वर की जगह गोल्डन का यूज काफी ज्यादा हुआ है, इसके अलावा मुझे कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं तो आप बता सकते हैं। एंड देन उसके साथ ब्लैक कमांडो हेड गियर, ये हमें लेवल 65 पे मिल जाएगा। मीन्स अगर आपको कोई भी आउटफिट मिल रही है सीजन 14 के रॉयल पास में तो उसके अगले लेवल में, मतलब 5 लेवल के बाद ही उसका हेड गियर मिल रहा है। अगर आपने ये चीज नोटिस नहीं किया तो आप लोग पीछे करके देख सकते हैं, ऐसे ही चल रहा है। एंड इसका हमें हेड गियर मिल जाएगा लेवल 65 पे। आफ्टर थोड़ा आगे जाने पे लेवल 70 पे वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो रॉयल पास में लग रही है वो है फायर फाइटर बैकपैक, काफी अच्छा बैकपैक है। मतलब रॉयल पास में फ्री में मिल जाएगा बैकपैक, उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। देन रैंक 75 पे आपको एक अवतार मिल जाएगा सीजन 14 का, नॉर्मल सही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। रैंक 80 पे इस बार आपको मिलने वाली है M416 की स्किन, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि ये स्किन हमें 90 लेवल पे मिलेगी बट सीधा ये 80 पे आ चुकी है, तो ये मेरी प्रेडिक्शन गलत थी पूरी। बट चलो हम लोगों को रैंक 80 पे M416 की स्किन मिलेगी जो कि काफी अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। आफ्टर इट थोड़ा आगे चलते हैं तो रैंक 85 पे आपको सीजन 14 एक्सक्लूसिव इमोट मिलेगा जो कि 100 RP इमोट है, आप लोग देख सकते हैं इस इमोट को, काफी ठीक ठाक टाइप का इमोट लग रहा है। आपको कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। एंड देखा जाए तो काफी फनी टाइप का इमोट है, मुझे तो काफी फनी लग रहा है। आफ्टर रैंक 90 पे एवेंट ट्रेंट हेडगेयर मिलेगा जो कि एक ब्लूइश एंड पर्पलिश कलर का हेडगेयर है, काफी ज्यादा सही लग रहा है। रैंक 95 पे इसका मास्क मिल जाएगा बिल्कुल, एंड रैंक 100 पे आपको मेन जो आउटफिट है वो मिलेगी। एंड जब इनको हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप की दिखने वाली है। एंड यहाँ पे हमारा सीजन 14 का पूरा रॉयल पास फिनिश हो जाता है, काफी कमाल का रॉयल पास लग रहा है। अगर हम लास्ट के कुछ सीजन से कंपेयर करें तो ये वाला जो रॉयल पास है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस पे आप लोग अपना ओपिनियन देंगे, मैंने अपना दे दिया, आपकी बारी है। कमेंट्स में जाओ, क्लिक करो एंड लास्ट के 3 रॉयल पास को या फिर 4 लेके चलते हैं सीजन 10 से लेके सीजन 14 में। ये 4 सीजंस के रॉयल पास में सबसे अच्छा कौन सा लगा, एंड मुझे लगता है जो मेन टक्कर होगी वो सीजन 11 एंड सीजन 14 में होगी। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस आती रहती हैं चैनल पे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रॉम चेंगो, बाय बाय।